अगर सी वोटर का एग्जिट पोल ठीक बैठता है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री फिर से ममता दीदी ही बनने वाली है, जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं। 152 से 164 सीटें। इस एक घंटे में हम चरणबद्ध तरीके से जो चुनाव हुए हैं 8 फेजेस के, उस बारे में बात कर रहे हैं, कैसे फेज दर फेज, चरण दर चरण चुनाव ने अपना रुख लिया, किन पार्टियों को लीड रही। हम 6 चरण की बात कर चुके हैं, आखिरी 2 चरणों की बात करते हैं। वो इलाका जो कि टीएमसी का गढ़ और मजबूत इलाका माना जाता था, इन आखिरी 2 फेजेस में क्या हुआ है इस सी वोटर के अनुमान में, जानते हैं रुमाना से। आखिरी 2 फेजेस मतलब 26 अप्रैल और आज 29 अप्रैल, इसी हफ्ते में ये दोनों आखिरी 2 फेज के लिए वोट पड़े हैं। 26 अप्रैल 34 सीटों पर वोटिंग हुई, 36 पर होनी थी पर 2 सीटों पर वोटिंग नहीं हो पाई क्योंकि उम्मीदवारों का निधन हो गया था। और देख सकते हैं आप इस 7वें चरण में यहां पर टीएमसी की बड़ी बढ़त बीजेपी के मुकाबले, 34 में से 20 से 22 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई, बीजेपी के खाते में महज 9 से 11 सीटें आती हुई, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 34 में से 2 से 4 सीटें जाती हुई। तो 7वें चरण में आप देख सकते हैं बड़ी बढ़त जो टीएमसी ने बनाई। ये तो बात हुई 7वें चरण की, और अब आगे 8वां चरण। 8वें चरण में मतलब जो आज वोटिंग हुई है ये 35 सीटों के लिए वोट पड़े हैं। 7वें और 8वें चरण में आपको यह भी समझना होगा कि किस तरीके से कोरोना का जो मुद्दा है वो बड़ा होता जा रहा था। ये 8वां चरण मतलब आज जो वोटिंग हुई है आखिरी 8वें चरण के लिए 35 सीटों पर जो वोट पड़े, 35 सीटों में से 14 से 16 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती हैं एग्जिट पोल का ये बड़ा आंकड़ा। बीजेपी के खाते में 10 से 12 सीटें जाती हुई और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 8 से 10 सीट। तो ये है बिग पिक्चर, फेज वाइज पूरी तस्वीर, हर आंकड़ा हमने आप तक पहुंचाया। सुमित, बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो फेज 1 ऐसा था शुरुआत में जहां बीजेपी ने लीड ली थी, फेज 4 जो कि अप्रैल 10 को हुआ वहां बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं इस सी वोटर के अनुमान में, लेकिन उसके बाद जितने फेज रहे 1 से 2 से लेके और अब 8वें तक, उसमें हर जगह पर टीएमसी ने लीड बना के रखी बीजेपी के मुकाबले। फिराद हाकिम, जफर इस्लाम और अजय कुमार हमारे साथ हैं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन पहले अभिज्ञान प्रकाश का लेना चाहूँगा, उसके बाद पॉलिटिकल मेहमानों को इस चर्चा में शामिल करते हैं। अभिज्ञान, आपके धैर्य के लिए शुक्रिया, बहुत सारे मेहमान हैं, लेकिन इस बात को आपको समझाना होगा जिस तरीके से जो ओपिनियन पोल आया हम लोगों का, लगातार 3 ओपिनियन पोल में हमने टीएमसी की लीड दिखाई, वही एग्जिट पोल में आया, इस 1.25 महीने में बीजेपी चुनावों को अपने पक्ष में क्यों नहीं मोड़ पाई अगर ये सर्वे ठीक बैठता है तो? गुड पॉइंट। सबसे पहले चूंकि हम लगातार ओपिनियन पोल कर रहे हैं तो एक कंसिस्टेंसी आपकी रही है, मैंने पहले भी कहा और आज फिर उस बात को मैं दोहरा रहा हूं, अगर 2 तारीख को ये नतीजे आते हैं इसी हिसाब से तो ये सही साबित होगा। दूसरा पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है कि 2019 में, ये बात पहले भी मैंने सुमित आपसे कही थी, 40% बीजेपी ने वोट हासिल किया था, उसको जीतने के लिए उससे आगे जाना था जो कि स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो आगे नहीं जा पाई। तीसरी बात, पहले 2 फेजेस सबको पता था बीजेपी के हक के फेजेस हैं, लेकिन ऐसा बीजेपी कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड पहले 2 फेजेस में नहीं करा पाई अपने हक में, जिसमें कि सेकेंड फेज नंदीग्राम इंक्लूडेड है। आहिस्ता आहिस्ता चुनाव जैसे जैसे बढ़ता गया, एडवांटेज पॉइंट्स फेज बाय फेज जो आप बता रहे हैं सुमित, वो मिलते चले गए टीएमसी को ना कि बीजेपी को। और चौथा पॉइंट, चुनाव जैसे ही 6ठे फेज से आगे गया, मेरा अपना यह मानना है इसमें कोरोना का इम्पैक्ट लोगों के राय का और इतनी भयावह जो देश की तस्वीर बन गई है उसका भी कहीं ना कहीं आंकड़ों से उसको साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन राजनीति में हम सब जानते हैं मूड और परसेप्शन वो मैटर करता है। सुमित, ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, और शायद कोरोना का जो इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में दिलीप घोष मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दिलीप दा, आप माटी के लाल है, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन आपकी इजाज़त से आपसे पहले एक सवाल कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार का जरूर लेना चाहूँगा, वो काफ़ी वक्त से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ओ, अजय कुमार जी नहीं है मेरे साथ, चले गए हैं, लेकिन फिराद हाकिम और दिलीप घोष, 2 बड़े चेहरे
पश्चिम बंगाल की राजनीति के इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की इजाज़त से मैं आप दोनों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। यशवंत, मैं आपके पास आता हूं। दिलीप घोष, जो आंकड़े अब तक सामने हैं ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी बहुत कुछ कर रही है पर सब कुछ नहीं कर पा रही है। आप बहुमत से पीछे दिखाई दे रहे हैं। दिलीप दा, दिलीप दा, आपको आवाज आ रही है? सुमित बोल रहा हूँ। देखिए सुमित जी, लेट आप तो बोलिए, बंगाल बोलिए। में एक शब्द बोलते हैं भद्र लोग। आप 3 महीना 4 महीने पहले जो बोले थे आज भी वही बोल रहे हैं। आप अपने जगह पर खड़ा रहिए, लेकिन भाजपा बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, मेरी आवाज जा रही क्या? जी आ रही है, बिल्कुल बोलते रहिए। थोड़ा सा समय लग रहा है जी, आप बोलते रहिए। हाँ, तो इसीलिए भाजपा चुनाव जब शुरू किया था 1 महीना पहले, उस समय की सिचुएशन अब की और 2-3 महीना पहले की, जब से आपने ओपिनियन पोल शुरू किया काफी फर्क पड़ा है। बहुत सारा इशू आ गया बीच में, लेकिन हम जिस गति से चुनाव शुरू किया था, जिस दिशा में, उसी गति और दिशा में चुनाव समाप्त भी किया है। और हमारी जो टारगेट थी उस तरफ आगे बढ़ते हुए हमने चुनाव समाप्त किया है, और हमारा टारगेट जो है 200 के आसपास, वहां हम पहुंचेंगे। लेकिन आपने जो ओपिनियन पोल दिया, जो एग्जिट पोल दिया, मुझे लगता है नहीं कि एग्जैक्ट पोल उधर ही जाएगा, वो अलग ही होगा। और पूरी विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। चलिए मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि हमारा ओपिनियन पोल, हमारा एग्जिट पोल आपके सपनों के मुताबिक नहीं होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, 1 मिनट के लिए आप मेरी बात नहीं मान लीजिए, अगर यही नतीजे आते हैं, 110-120 के आसपास पार्टी की गाड़ी रुक जाती है, इसको आप जीत मानेंगे या हार मानेंगे? दिलीप दा, नहीं, भाजपा पिछले 5 साल से आगे ही आगे बढ़ रही है। पहले 3 विधानसभा चुनाव 5 साल पहले 3 विधायक जीते थे हम लोग, उसके बाद कई बाय इलेक्शन में हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, 10.5 से लेके 35-36 तक हुआ। और 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ, भले कि वहाँ चुनाव हो ही नहीं पाया, नॉमिनेशन नहीं हो पाया, लेकिन जिस जिस जिले में हमने किया है 35-40% तो वोट हमको मिला था, और उसका परिणाम हमको लोकसभा में मिला। कोई उम्मीद नहीं किया था कि हमको 18 सीट मिलेगा और 40% से ऊपर वोट मिलेगा, वो हमने करके दिखाया। और पिछले 2 साल में जिस जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरी थी उसको हमने सुधार करके आगे बढ़ा है, और इसी दिशा में उसी उम्मीद से और अपने कॉन्फिडेंस के साथ हम चुनाव लड़ा है, और आगे का जो टारगेट रखा है वहां तक हम पहुंचेंगे। फिराद हकीम, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब जरूर दीजिए और इस बात को समझाइए कि बीजेपी जो साल दर साल मजबूत होती गई पश्चिम बंगाल में, क्या वो TMC की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि आप एक खास वर्ग को लुभाने में लगे रहे? TMC, देखिए सुमित जी, मैं बार बार ये कहता हूँ, TMC एक सेकुलर पार्टी है, बीजेपी आरोप देते रही पोलराइजेशन के लिए, जो एक संप्रदाय को हम पीछे रखते नहीं, जो भी पिछड़ा हुआ है, वो चाहे वो जंगल महल का हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे वो जो भी हो, उसको आगे बढ़ाना ये ममता बनर्जी का काम था, और वही काम ममता बनर्जी ने ईमानदारी के साथ किया। मैं आपको कहता हूँ, अगर कन्याश्री, रूपोश्री, जो भी हमारा स्कीम देखिए, वो पर्टिकुलर कोई संप्रदाय के लिए नहीं है, सबके लिए था। जरूर दिलीप दा ने बहुत कोशिश किया, दिलीप दा खुद एक बड़ा पार्लियामेंट में गए बहुत बहुमत लेके, किंतु उसके बाद भी दिलीप दा जो सीट छोड़ के गए MLA का बाय इलेक्शन में, वो सीट हम लोग ने जीता है। और बाई इलेक्शन जब हुआ असेंबली का जब जो 5 बाई इलेक्शन हुआ था, जब दिलीप दा लोग चले गए पार्लियामेंट में जी, वो सब सीट बहुत अच्छी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने जिया। इसका मतलब क्लियरली है जो विधानसभा में बंगाल के लोग जो है वो ममता बनर्जी को चाह रही है। आवाज आ रही है ना? फिराद हकीम साहब आप पे इशारा कर रहे हैं कि आपने भले ही अपनी लोकसभा सीट जीत ली, लेकिन उपचुनावों में आप लगातार, आपकी पार्टी चुनाव हारती गई। क्यों हुआ ऐसा दिलीप दा? आप अपनी सीट हार गए उपचुनाव में? जी नहीं, नहीं,
इसके पहले उपचुनाव में लगातार हमने वोटिंग बढ़ाया, और पिछले उपचुनाव 3 हुआ जिसमें हमारा मेरी वाली जो सीट थी विधायक की वो हम हारे, बाकी तो उनका ही था, उन्होंने लिया। ये आप जानते हैं जो सत्ता में रहते हैं उनकी तरफ जाता है विधानसभा का उपचुनाव का जो रिजल्ट आता है, और यूपी में भी हुआ, जोगी जी का सीट, हमारे उप मुख्यमंत्री उनकी भी पार्लियामेंट्री सीट हम हारे थे उपचुनाव में, और विधानसभा में हम पूरी मेजोरिटी के साथ सत्ता में आए। तो अभी का जो चुनाव हो रहा है परिवर्तन का चुनाव बंगाल में हो रहा है, लोगों का दिमाग में वही बात है, और परिवर्तन को दिमाग में रखकर लोगों ने वोटिंग कर रहे हैं, और जो इतनी टेंशन इतनी हिंसा के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज देखिए कितना ऊंचा हो रहा है, पर इससे पता चल रहा है रिजल्ट ये नहीं दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल के रिजल्ट ये नहीं दिखा रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है, खेला होबे हो रहा है बीजेपी के साथ एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे दिलीप भैया ये है, और आपकी बात का जवाब फिराद हाकिम देंगे, कि आखिर की जो 4 फेज हैं, 10 तारीख वाला, 17 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, ममता बनर्जी ने 17 तारीख की पोलिंग के पहले ये अपील कर दी थी कि कोविड का काल है, एक साथ चुनाव करा दिया जाए बची हुई सीटों का, आप लोगों ने कोई स्टैंड ऐसा नहीं लिया, क्या कोविड की रैलियों, कोविड का वजह, रैलियों में भारी भीड़, इस गुस्से का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से ये दिखा रहा है टीएमसी आगे आखिर के 4 फेज में, आप लोग पीछे हैं। दिलीप दा, नहीं देखिए, ममता बनर्जी ने जो अपील की थी वो कोविड के लिए नहीं है, अपना चुनाव के लिए, अपनी स्थिति के लिए, वो 4 फेज के बाद जान गई वो हार रही है, इसलिए जो पहले ईवीएम को, चुनाव कमीशन को, सेंट्रल फोर्स को टारगेट बना रही थी उससे फायदा नहीं मिला, लोगों ने भरपूर वोटिंग किया, तब उन्होंने तुरंत मोड़ा कोविड की तरफ। जबकि देखिए देश भर में 10 प्रदेश का आप देखें आंकड़ा कोरोना का, तो उसमें हम 8 नंबर में हैं, हमारे यहाँ 2 महीने से चुनाव की तैयारी चल रही, बड़ी बड़ी लाखों की सभा हुई, किसी देश में कहीं पर नहीं हुआ है। अगर कोरोना अगर कारण होता तो जो फर्स्ट फेज में चुनाव होता, सेकंड फेज में जंगल मॉल में लोग सारे मर जाते, महामारी हो जाता, वो नहीं है, मजबूरी में वो लोग कोरोना को सामने ला रहे हैं, जो एक साल में संभाल नहीं पाए। फिराद हकीम जवाब दीजिए, कोरोना डरा करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं, और उसका फिराद हकीम साहब जवाब दीजिए, कोरोना से डरा कर चुनाव जीतने की मंशा रही आपकी? दिलीप घोष अभी भी ये दिलीप दा अच्छी तरह जानते हैं, जो हमने कलकत्ता में, बंगाल में कोरोना को हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे, ये दिलीप जी अच्छी तरह जानते हैं, जो कोरोना काल में मैं, ममता बनर्जी रास्ता में थे, और ये भी है जो ये चुनाव काल में जितने बाहर से दिलीप दा के गेस्ट आए, बाहर से जितने आए वो सब कोरोना इफेक्टेड एरिया से, जैसे हमारे जोगी जी खुद जाके कोरोना हो गए, इसका मतलब जितना दिन यहाँ घूमे वो कोरोना फैलाते रहे, उनके साथ 100 हज़ारों बीजेपी कार्यकर्ता ने आया, हजारों बीजेपी कार्यकर्ता आया, प्लेन आया, ट्रेन आया, बहुत बीजेपी भरा हुआ था। जैसा यहाँ पर कोरोना फैलना शुरू कर दिया, देश के दूसरे भाग में जैसा आज कोरोना का महामारी है, फिराद भाई ये महामारी हुआ। फिराद भाई मैं ये कहता हूँ, फिराद भाई ये कह देना कि बीजेपी बाहर से लेके आई, आरोप नहीं, तो क्या पश्चिम बंगाल में पहले से कोविड नहीं था? फिर टीएमसी के अपने नेता की देहांत हो गया कोविड की वजह से, पहले काजोल सिन्हा का, आप समझ रहे हैं? ये चीजें मैं आपको कहता हूं, क्या वो जाके बीजेपी के नेताओं से मिले थे क्या? आप ऐसा मत कहिए ना, आपको ये आप दोनों की गलती है। आपको मैं कहता हूं, नहीं आपको मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल में जब आपका महाराष्ट्र हाइप था, दिल्ली हाइप था, तब पश्चिम बंगाल में कोरोना करीब चले गया, कहां था किसी को बोली जरूर जरूर जरूर, जब ये फर्स्ट ये था फर्स्ट फेज था, नहीं फर्स्ट फेज, उसके बाद कोरोना हमारे यहाँ पर एकदम डाउन हो गया था, फिर ये चुनाव के दौरान ये कोरोना का जो है ये सेकेंड वेव आया, फर्स्ट वेव हम लोग संभाल लिए थे, हाँ जरूर, खाली वो नहीं, हमारा अपना रिलेटिव उसमें देहांत हो गया था बिल्कुल, मगर ये सेकेंड वेव जो है ये महामारी के रूप से आया, तो इसके लिए तो आप लोग दोषी है ना, आपने सुना नहीं मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि चुनाव आयोग पर मुकदमा होना चाहिए मर्डर का, उसके अधिकारियों पर, इस हद तक गुस्सा है समाज में, देश में। आपको लगता नहीं है कि चुनाव को बगैर पब्लिक रैलीज के होना चाहिए था? राजनीतिक पार्टियों की यह जिम्मेदारी थी कि वो पब्लिक रैली नहीं करती,
आप दो बड़े नेता, दो बड़ी पार्टी के हैं, मैं आज आपसे पूछता हूं, जब चुनाव निपट गए, आत्मावलोकन कर रहे हैं, आपसे गलती हुई, पहले बॉबी हाकिम आप बताइए। नहीं नहीं, ये चुनाव आयोग का ये था, जिम्मेदारी था, क्योंकि जुमा चुमा आयोग अगर चुनाव कराएगा, अगर मोदी जी आते रहेंगे, हमारे अमित शाह जी आते रहेंगे, बड़े बड़े नेता आते रहेंगे, तो हम रैली नहीं करेंगे, तो हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। आप दोनों को तो नहीं करना चाहिए, दान क्षेत्र नहीं है जो हम ठीक है, आप दोनों को वर्चुअल रैली करनी चाहिए थी, जो बाद में किया आप लोगों ने। ये जरूर जरूर, मगर इसका नियम जो है ये चुनाव आयोग के ऊपर था, ये कोई पॉलिटिकल, कुछ नियम अपने आप बना लेते, सेल्फ रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, लीड करना चाहिए था कोलकाता की। अब मान लीजिए चुनाव के बाद, मान लीजिए 2 मई को आपकी सरकार बन जाती है, पश्चिम बंगाल में 73 गुना ज्यादा परसेंटेज हो गया जिस दिन केस अनाउंस हुआ 26 फरवरी को, और जिस दिन आज ये हुआ 26, अब तब से लेके अब तक आप समझ रहे हैं 73 गुना ज्यादा मामले आ रहे हैं, 50-60 हजार तक। बॉबी साहब मेरे सवाल सुन लीजिए, आप सेल्फ स्टैन कर सकते थे, आप कह सकते थे कि हम केवल वर्चुअल रैली करेंगे, हम नहीं करेंगे, संक्रमण 31% है पॉजिटिविटी रेट। ये लीड चुनाव आयोग ले सकते थे या देश के प्रधानमंत्री ले सकते थे, मुख्यमंत्री ये अगर हम लेते हैं तो वन साइडेड हो जाता, नहीं वन साइडेड हो, कि मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री हैं, उनको लीड लेना चाहिए, दिलीप घोष जवाब देंगे, आयोग के लेना चाहिए, दिलीप घोष जवाब दीजिए, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ज्यादा थी, आपको वर्चुअल रैली करनी चाहिए थी, कोविड नहीं फैलता आज बंगाल में, दिलीप दा नहीं, देखिए जिस जिस प्रदेशों में चुनाव हो रहा है वहां का रेट, और महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसा 1-2-3 प्रदेश जहां चुनाव नहीं, रैली नहीं, प्रधानमंत्री गए ही नहीं है, वहां इतना हाई रेट क्यों है? इसलिए हार का किसी का ऊपर टिकरा फोड़ना है तो कोरोना को ले आए, प्रधानमंत्री को ले, ये कोई बात नहीं है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, आपके हाथ में है, तो आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया है? चुनाव कमीशन का तो काम नहीं कोरोना को रोकने का, आपका है, आप उसको बहाना बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं हार का कारण दिखाने के लिए, ये कोई जायज बात नहीं है। इसलिए, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोरोना के चलते बंगाल में नहीं बढ़ा है, बाकी देश में कहाँ चुनाव है क्या, चुनाव के चलते यहाँ नहीं बढ़ा है। और आपके जैसा सुमित जी एंकर बैठे हुए हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, वो क्या चुनाव में गए थे क्या? और आप भी बंगाल है तो फिर आप चुनाव में आए थे तो आप भी बीमार हो जाते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। और किसी राजनीतिक विषय को लेकर के इस प्रकार जोड़ना नहीं चाहिए कोरोना के साथ, सही तथ्य के साथ चर्चा करना, उसमें देश भर के कोर्ट कह रहे हैं, लेकिन इसका देश भर के कोर्ट कह रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी कितनी खतरनाक है, यूपी में क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, गुजरात में क्या कहा कोर्ट ने, हर कोर्ट चुनाव को और कुंभ को बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर मान रहा है, आपकी रैलियों को जजेस कह रहे हैं, आप मीडिया को कितना भी नीचा दिखा दिए जजेस को क्या कहेंगे। सुनिए, तमिलनाडु में चुनाव नहीं, एक विधानसभा बाई इलेक्शन, उसके लिए एक व्यक्ति गया था तमिलनाडु हाईकोर्ट को, जिस प्रदेश में चुनाव हुआ वहाँ हाईकोर्ट नहीं बोला है, जिनको सहारा चाहिए वो उसको लेके अपना एक बहाना बना रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट, तमिलनाडु में चुनाव है दादा, कैसी बात कर रहे हैं आप, तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, उसके भी आज हमारे सामने एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, इसीलिए चुनाव आयोग को बंदिश लगानी पड़ी बाद में। मैं आप दोनों एक सीजन, लेकिन एक विधानसभा का किसने अपील की थी, आप दोनों अपनी 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 पार्टियों के बड़े नेता हैं, पुडुचेरी, मैं आखिर में पूछना चाह रहा हूं ईमानदारी से, दिलीप दा दिल पे हाथ रखिए और एक बार कह दीजिए कि आपने पब्लिक रैली कर इस कोरोना काल में कोई गलती नहीं की। दिलीप घोष का सिग्नल टूट गया है। फिराद हाकिम, आप एक्सेप्ट करेंगे दिल पे हाथ रख के कि आपसे गलती नहीं होगी? फिराद हाकिम, गलती हो गई, पब्लिक रैली बंद कर सकता था एक चुनाव आयोग जो सबके लिए निर्धारित था, कोई एक पार्टी का हिम्मत नहीं है जो दूसरा पार्टी करता है और वो पब्लिक रैली बंद कर दे, क्योंकि ये चुनाव है, ये कोई हमारे दान क्षेत्र नहीं है, चुनाव है जहां पर टक्कर से टक्कर दे के हमें लड़ना पड़ रहा है, ये आप समझिए। मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ मेरा घर का आदमी सब चुनाव इफेक्टेड है। बिल्कुल फिराद साहब, थैंक यू।
शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, दिलीप घोष आपका जुड़िया शुक्रिया, जो तमाम मेहमान जुड़े उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वक्त की कमी है लेकिन आप देख लीजिए, कुल मिलाकर आंकड़े आपके सामने हैं एग्जिट पोल के, हैशटैग ABP और सी वोटर का एग्जिट पोल ये साफ इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार, असम में BJP की वापसी, लेकिन कांटे की टक्कर तमिलनाडु में DMK कांग्रेस गठबंधन की वापसी हो रही है, सत्ता परिवर्तन है। केरल में सत्ता परिवर्तन नहीं है, LDF की सरकार बन रही है। पुडुचेरी में BJP अपनी सरकार बना सकती है स्थानीय पार्टी के साथ मिलकर। मोटा मोटी ये निचोड़ रहा, लेकिन असली नतीजे क्या होंगे वो तो आपको 2 मई को ही पता लगेगा, जब लगातार ABP न्यूज़ पर सबसे सटीक विश्लेषण और सबसे तेज नंबर आपको दिखाई देंगे।